हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में और 23 सितंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स क्वेश्चन, वो मैं आपके पास जो है वो लेकर आया हूँ। साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मैं लगातार SSC, बैंक, रेलवे, सिविल सर्विसेज के कोर्सेज बना रहा हूँ, जो कि आप अभी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद वहां पर शशांक कौरव लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। फॉलो बटन पर क्लिक करके आप मेरे सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। युग पुरुष भारत रत्न अटल जी बुक राइटर, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो युग पुरुष भारत रत्न अटल जी जो बुक लिखी गई है इसके राइटर कौन है। तो इसके जो राइटर हैं वो है रमेश पोखरियाल निशांक, राइट। और मैं जल्दी ही आपके लिए इस पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ, अटल जी के ऊपर जो भी चीजें हैं जो बदली हुई हैं और जो भी चीजें सारी मैं आपको जो है वो बताने वाला हूँ। या तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा या फिर मैं आपको अनअकैडमी पर बताऊंगा, ठीक है। तो दोनों में से कहीं एक जो है ये वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, दिल्ली के सीएम चीफ मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। तो ये है अरविंद केजरीवाल, और सीएम एंड गवर्नर्स के ऊपर मैं ऑलरेडी जो है वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। इस पर दो वीडियो अपलोड है, एक तो पुराना हो गया थोड़ा सा, मतलब एक महीने पुराना, और एक जिसमें 7 जो नए गवर्नर बनाए गए हैं उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आगे देखते हैं, हॉकी वर्ल्ड कप 2018, तो हॉकी वर्ल्ड कप 2018 जो होने वाला है ये कहां पर होने वाला है, तो ये होने वाला है ओडिशा में, और ओडिशा में भुवनेश्वर में, राइट। तो भुवनेश्वर में ये होने वाला है, और ये जो है हॉकी वर्ल्ड कप ये मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है और ये 14वां एडिशन है, ठीक है, 14वां एडिशन है वर्ल्ड कप का। साथ में आपको बता दूं कि मैंने अनअकैडमी पर जो है वो रेलवे स्पेशल एक कोर्स जो है वो स्टार्ट किया है, जिसमें मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे लेसन जो है अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स के टॉपिक, साथ में कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक और डेली एनालिसिस, मतलब पूरे दिन की जो एनालिसिस होती है वो सारी अपलोड कर रहा हूँ। तो यदि आपने अभी तक इस कोर्स को फॉलो नहीं किया है तो आप अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल सर्च करेंगे, उसके बाद आपको ये कोर्स मिल जाएगा, वहां जाकर एनरोल कर लीजिए। साथ में यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वहां पर पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राणा प्रताप डैम, राणा प्रताप डैम की यहाँ पर लोकेशन पूछी गई थी। तो राणा प्रताप डैम जो है ये रावत भाटा राजस्थान में है और ये बना है चंबल रिवर पर, राइट। तो चंबल रिवर पर बना है ये रावत भाटा राजस्थान में। मैत्री एक्सरसाइज बिटवीन, मैत्री एक्सरसाइज जो है वो किन दो देशों के बीच में होती थी, ये मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ। तो जो मैत्री एक्सरसाइज है ये होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, और इस बार ये हुई थी कहाँ पर, थाईलैंड में ही। आगे देखते हैं, गोल्डन बूट विनर इन फीफा 2018 वर्ल्ड कप, फीफा 2018 जो वर्ल्ड कप हुआ है इसमें गोल्डन बूट जो है वो किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है हैरी केन को, राइट। अब ये जो गोल्डन बूट है ये दिया क्यों जाता है, तो जो टॉप स्कोरर होता है, मतलब कि जिसने सबसे ज्यादा गोल किए होते हैं वर्ल्ड कप में, उसको जो है ये अवार्ड दिया जाता है गोल्डन बूट, और ये मिला है हैरी केन को। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे फीफा वर्ल्ड कप वाले वीडियो को देख सकते हैं, मैंने सारी चीजें जो है वो क्लियर की हुई हैं। NRI डे, ठीक है, यहाँ पर जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था ये कंफर्म नहीं है। NRI डे है, ये मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन, हर साल जो है ये 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन जो है वो गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, 9 जनवरी 1915 में, 1915 में जो है वो भारत वापस आए थे, तो इस दिन को जो है वो NRI डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे देखते हैं, सऊदी अरेबिया कैपिटल, तो सऊदी अरेबिया के यहाँ पर कैपिटल पूछा गया है, राजधानी पूछा गया है, तो वो है रियाद। साथ में यहाँ पर यदि हम सऊदी अरेबिया की करेंसी मुद्रा की बात करें तो वो होती है रियाल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सऊदी रियाल। तो रियाद यहाँ की राजधानी और रियाल यहाँ की करेंसी है। चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, तो पंजाब के यहाँ पर सीएम के बारे में पूछा गया है, तो जो पंजाब के सीएम है ये है अमरिंदर सिंह, और ये जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से हैं। संपदा योजना स्टार्टेड फॉर, संपदा योजना जो है इसका पूरा नाम है किसान संपदा योजना, और ये जो है वो एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, मतलब इस योजना का सिंपल मैं आपको बताता हूँ, ये जो योजना है ये इस चीज़ पर बेस्ड है कि जो किसान है उसका जो अनाज है वो पहले खेत में उगा और उसको बिक्री तक जो है कैसे पहुँचाना है, उसके लिए क्या व्यवस्था करना है, ये पूरा जो है इस योजना में बताया गया है। तो यदि आपको योजना पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको जल्दी ही जो प्रोवाइड करा दूंगा। आगे देखते हैं, यूनिट ऑफ किडनी, तो यहाँ पर जो है वो किडनी की यूनिट पूछ गई, किडनी की इकाई क्या होती है, तो ये होती है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है किडनी की, तो आप इसको जो है वो याद रखिए। और मैंने साइंस की जो मेरी सीरीज है उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिए, मैंने वहाँ पर बहुत डिटेल में बहुत सारी चीज़ें जो है बताई हैं, डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था पीरियडिक टेबल रिलेटेड टू क्वेश्चन, तो पीरियडिक टेबल से जो है वो दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन मुझे नहीं पता इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बाकी आप पीरियडिक टेबल से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं, मणिकरण प्लांट लोकेटेड इन, तो मणिकरण प्लांट जो है ये कहाँ पर है, तो ये है हिमाचल प्रदेश में, आप इसको याद रखिए। साथ में ये जो प्लांट है ये जियोथर्मल एनर्जी पर बेस्ड है, मतलब कि भूतापीय ऊर्जा पर बेस्ड है ये प्लांट, मणिकरण प्लांट। आगे देखते हैं,
फुल फॉर्म ऑफ IMF। तो IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था। यहाँ का आपका हेडक्वार्टर भी पूछा सकता है, तो वो है Washington DC में, तो आप इसको याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन मुझे आपको यहाँ पर देनी थी, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आप मुझे अनअकैडमी जरूर फॉलो कर लीजिए, यदि आपको और भी अच्छे अच्छे लेसन और चाहिए तो वहाँ मैं डेली बेसिस पर आपको लेसन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो मिलते हैं आगे की और भी एनालिसिस में। थैंक यू, जय हिंद।